हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आपने ली है न्यू गियर साइकिल और आप जानना चाहते हैं कि इन गियर्स को कैसे यूज़ करना है या कब यूज़ करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बड़ी ही आसानी से आप अपनी साइकिल के गियर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। गियर साइकिल चलाते टाइम हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न रहता है कि फ्लैट रोड्स पे कौन से गियर यूज़ करना है या हिली टेरेन में कौन सा गियर कॉम्बिनेशन सही रहेगा, फ्लाईओवर चढ़ते टाइम मुझे कौन सा गियर यूज़ करना है, अपहिल में कौन सा गियर लगाऊं, या फ्लैट सिटी रोड्स पे क्या गियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। गाइस, जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में बड़ी ही आसान लैंग्वेज में। गाइस, बाइसिकल के गियर्स को जानने के लिए सबसे पहले बात करते हैं गियर्स के कंपोनेंट के बारे में। हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है ये फ्रंट इजी फायर शिफ्टर्स। आपकी साइकिल में फ्रंट में जितने भी गियर्स रहेंगे उसका इंडिकेशन यहाँ पे रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस साइकिल में 1 से लेकर 3 गियर्स हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ये रियर शिफ्टर्स। ये शिफ्टर्स मदद करते हैं आपको रियर गियर्स को शिफ्ट करने में। आपकी साइकिल में रियर में जितने भी गियर्स हैं उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस साइकिल में 1 से लेकर 7 गियर्स हैं। गाइस, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ये फ्रंट डिरेलर्स, जिसकी हेल्प से आपके फ्रंट के गियर्स शिफ्ट होते हैं। फ्रंट चैनेज में जो सबसे स्मॉल रिंग होता है वो सबसे छोटा गियर होता है और सबसे बड़ा रिंग सबसे बड़ा गियर होता है। इसका मतलब है कि सबसे छोटा रिंग 1 नंबर गियर है और सबसे बड़ा रिंग 3 नंबर गियर है। सबसे बड़े रिंग पे करने पे आपकी साइकिल फास्ट चलेगी, लेकिन एफर्ट्स भी इसी रिंग पे सबसे ज़्यादा लगते हैं। और सबसे छोटे रिंग पे काफ़ी इजी चलेगी, लेकिन इसमें स्पीड भी आपको काफ़ी स्लो मिलती है। गाइस, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट को, जो कि है रियर डिरेलर्स। ये रियर डिरेलर्स हेल्प करते हैं आपको रियर के गियर्स को चेंज करने में। रियर्स के गियर्स की बात करें तो इसमें सबसे छोटा रिंग सबसे बड़ा गियर होता है और सबसे बड़ा रिंग सबसे छोटा गियर होता है। मींस सबसे छोटा रिंग 7 नंबर गियर है और सबसे बड़ा रिंग 1 नंबर गियर है। तो सबसे छोटे रिंग या 7 नंबर गियर पे आपकी साइकिल सबसे फास्ट चलेगी, लेकिन एफर्ट्स भी इसमें सबसे ज़्यादा लगेंगे। सबसे बड़े रिंग यानी 1 नंबर गियर में आपकी साइकिल काफ़ी फ्री चलेगी, लेकिन स्पीड भी काफ़ी स्लो रहेगी। गाइस, हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ये चैन। ये चैन हेल्प करती है आपके पैडल की पावर को पीछे व्हील में ट्रांसफर करने में, जिसकी हेल्प से आपकी साइकिल आगे बढ़ती है। गाइस, आपने जान लिया साइकिल के कंपोनेंट्स के बारे में, अब जानते हैं इन कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे करना है। जैसा कि वीडियो में पहले हमने देखा है कि फ्रंट के शिफ्टर आपके हैंडल बार पर लेफ्ट में रहते हैं। अगर आप इस लीवर को फिंगर से पुल करेंगे तो आपके गियर्स 3 से 2, 2 से 1 पे जाएंगे और फ्रंट में आपके गियर्स बड़ी रिंग से मिड रिंग और मिड रिंग से सबसे छोटी रिंग पे आएंगे। जब आप इस लीवर को थंब से पुश करेंगे तो आपके गियर 1 से लेकर 3 तक जाएंगे और फ्रंट में आपके गियर छोटी रिंग से मिड रिंग एंड मिड रिंग से बड़ी रिंग की तरफ जाएंगे। सो इस सेक्शन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रंट शिफ्टर्स कैसे काम करते हैं और फ्रंट गियर्स आपके कैसे शिफ्ट होते हैं। अब बात करते हैं हमारे रियर शिफ्टर्स की, जो कि आपके हैंडल बार पे राइट में माउंट रहते हैं। फ्रंट शिफ्टर्स में जब आप इस लीवर को थंब से पुश करते हैं तो आपके गियर 7 से लेकर 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे आते हैं, यानी बड़े गियर से लेकर छोटे गियर की तरफ जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी चैन छोटे वाले कॉक से लेकर बड़े वाले कॉक की तरफ जा रही है। जब आप इस लीवर को फिंगर से पुल करते हैं तो आपके गियर 1 से लेकर 7 की तरफ जाते हैं, यानी कि छोटे गियर से बड़े गियर की तरफ। जब आपका इंडिकेटर 1 पे रहेगा तो आपकी चैन सबसे बड़े वाले रिंग पे रहेगी और जैसे जैसे इसे फिंगर से पुल करते जाएंगे तो आपके गियर्स बड़े वाले रिंग से छोटे वाले रिंग्स की तरफ आती जाएगी। जैसा मैंने बताया था कि बड़ी वाली रिंग सबसे छोटा गियर होता है और सबसे छोटी वाली रिंग सबसे बड़ा गियर होता है। सो रियर शिफ्टर्स एंड डिरेलर्स की हेल्प से आपके गियर शिफ्ट होते हैं रियर में। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इन गियर्स को कब यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फ्लाईओवर्स पे या अपहिल में आपको कौन सा गियर कॉम्बिनेशन रखना है। जैसा कि वीडियो में पहले हम देख चुके हैं कि रियर में सबसे बड़ा वाला रिंग सबसे इजी पैडलिंग करता है और आगे का सबसे छोटा वाला रिंग और बीच वाला रिंग भी इजी पैडलिंग में हेल्प करता है। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आपकी पैडलिंग काफ़ी आसान हो जाती है, जिसकी हेल्प से आप अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बिना आप फ्लाईओवर्स को और अपहिल्स को बड़ी ही आसानी से चढ़ सकते हैं। अपहिल्स में आप अपना कॉम्बिनेशन रख सकते हैं फ्रंट में 1 या 2 नंबर गियर और रियर में 3, 2 या 1। गाइस, अब बात करते हैं कि फ्लैट रोड्स पे या फ्लैट टेरेंस में हमें कौन सा गियर कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए।
नॉर्मली फ्लैट टेरेंस में आप हाई स्पीड पाने के लिए रियर में सबसे छोटा रिंग जो कि सबसे बड़ा गियर होता है, जो कि इस साइकिल में 7 नंबर गियर, और आगे सबसे बड़ा रिंग जो कि है 3 नंबर गियर। इस गियर कॉम्बिनेशन में आपकी पैडलिंग काफ़ी हार्ड हो जाती है, लेकिन इसी कॉम्बिनेशन में आपको स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इस गियर कॉम्बिनेशन का यूज़ करके आप फ्लैट टेरेंस में बड़ी आसानी से अच्छी स्पीड पा सकते हैं। नॉर्मल रोड्स में पीछे आपको 7, 6 या 5 नंबर गियर और आगे 3 या 2 नंबर गियर यूज़ कर सकते हैं। इन गियर कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके आप अपनी एनर्जी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लॉन्ग राइड्स के दौरान। गाइज, इस सेक्शन का बॉटम लाइन है कि फ्लैट टेरेन में आपको हाई गियर्स यूज़ करना है और हिली टेरेन या फ्लाई ओवर्स पे आपको यूज़ करना है लो गियर कॉम्बिनेशन। गाइज, अब आपसे मैं शेयर करता हूँ कुछ टिप्स जिससे आपके गियर्स मेंटेन रहें। तो सबसे पहली टिप है कि आपके साइकिल की चेन क्रिस क्रॉस नहीं रहनी चाहिए। मींस आगे 1 नंबर गियर और पीछे 7 नंबर गियर, या आगे 3 नंबर गियर और पीछे 1 नंबर गियर, इस कॉम्बिनेशन में आपकी चेन क्रिस क्रॉस रहेगी और आपकी चेन की वियर एंड टियर बढ़ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, जो कि है खड़ी साइकिल में गियर्स को शिफ्ट ना करना। दोस्तों, अगर खड़ी साइकिल में आप अपने गियर्स को शिफ्ट करते हैं तो आपकी चेन उतर सकती है, जो कि डैमेज कर सकता है आपके डिरेलर्स एंड चैन को। फ्रेंड्स, होप आप इस वीडियो के हेल्प से समझ गए होंगे कि आपकी साइकिल के गियर्स कैसे काम करते हैं और आपके लिए कौन सा गियर कॉम्बिनेशन सबसे सही है। फ्रेंड्स, ऐसी ही लेटेस्ट साइकिलिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और किसी भी क्वेरी एंड फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, कीप पैडलिंग, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।